बहुत बहुत धन्यवाद जो आए और हमें मौका दिया। हम सबके लिए अब आपके सम्मुख हैं, आपके बीच हैं। मैं इनके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई सचिव किसी यूनिवर्सिटी से पास करके आया है, विपक्षी का प्रावधान किया गया है वो हर साल वहां तो हमारे लिए नौकरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम और मेडिकल के जो विश्वास प्रकार में जो भी दिल्ली में आया तो सर इसकी इस तरह के सिनेरियो का दोष या इसकी विफलता आपके किसको देखते हैं सर अपने नजर से? साथ ही सर क्या आपको लगता है सर कि हमारे बिहार में खास करके जो हम मध्य स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक हेल्थ कैडर की एस्टेब्लिशमेंट होने की आवश्यकता है? क्योंकि सर अगर पब्लिक हेल्थ कैडर अगर वर्किंग रहता है यहाँ तो सीट थोड़ा इससे इतना भी वर्क नहीं होता। प्लीज सर पीछे से नंबर वन है क्या? सवाल पूछे जाने पे जवाब मिलता है पता नहीं का। तो क्या दिखाता है कि गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट? हम तो इतना कह सकते हैं कि सरकार जो मौजूदा सरकार है चाहे उसके मुखिया कोई भी है, वो जो बेसिक नीड है जो सोसाइटी की उस पर ध्यान नहीं देते। और कोई दूसरा सवाल अगर और जला सरकार का कभी तो जाहिर सी बात है हम नए सोच के नया बिहार बनाना है और हमारे पार्टी में मास कैपिटल बहुत है, अब हमको ब्रेन कैपिटल और इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जरूरत है। तो इसलिए हम चाहते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग है, प्रोफेशनल्स जो है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग जो है, प्रोफेसर्स हैं, मनोजा जी प्रोफेसर है, कई डॉक्टर हैं, हमारे विधायक हैं, इस बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने टिकट जो डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने 60% लगभग जो है नौजवानों और महिलाओं को टिकट दिया और हम लोगों ने डॉक्टर्स हो, प्रोफेसर्स हो, टीचर्स हो, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने टिकट दिया और हम जीत करके आए। तो हम तो चाहते हैं कि ऐसे लोग, आप जैसे लोग जो है पार्टी से जुड़े लोग जो है कहता रहता है घिसा पिटा बात, उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिनको इतिहास इतना पसंद है उनको इतिहास में रहने दीजिए, डरने वाली बातें करते रहे वो लोग,